मोहम्मद हक की आवाज जा रही है। आप में से किसी को आवाज जा रही तो आप लोग बता सकते। ओके आ रही सर, ओके आवाज क्लियर है। जस्ट रिकॉर्डिंग। या अगेन वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हमने दो कैरेक्टर आज लिया, उन दो कैरेक्टर्स में एनिमल फार्म को लेकर के बात चल रही थी। उन दो कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर हमने, अगर आपको याद होगा, मेजर को लिया, दूसरा मैंने आपका लिया नेपोलियन को। अब उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है स्नोबॉल, ये जितने मेजर कैरेक्टर है, ज्यादा नहीं, मैं इस एक कैरेक्टर को और कवर कराऊंगा। दो कैरेक्टर अभी मैंने कुछ पहले, थोड़े समय पहले ही लिया हुआ था। दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इज हु, दिस कैरेक्टर इज स्नोबॉल, SNOWBALL, स्नोबॉल। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर स्नोबॉल, तो रिमेम्बर दैट कि एक किसको जो है करता, एक तो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड ही रिप्रेजेंट टू ट्रॉट्स्की, ही स्टैंड फॉर ट्रॉट्स्की। स्नोबॉल किसके लिए? ट्रॉट्स्की के लिए, ही स्टैंड फॉर ट्रॉट्स्की, TROTSKY। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ट्रॉट्स्की जो है यह एक रूस में एक रियल कैरेक्टर थे और जिसको जो है स्टालिन ने बाहर कर दिया था। ऐसे ही नेपोलियन जो है स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है और किसको बाहर कर देता है? स्नोबॉल को बाहर कर देता है। तो स्नोबॉल कौन है? वो वहां रूस का ट्रॉट्स्की है और नेपोलियन कौन है? रूस के स्टालिन है। तो इस तरह की चीजें जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी कि ये रही है। और ही इज द सिंबल ऑफ आइडियल लीडर, ये जो कैरेक्टर है किसके है? ही इज द सिंबल ऑफ आइडियल लीडर, ही इज द सिंबल ऑफ आइडियल लीडर, एक आइडियल लीडर रहे। लेकिन जो स्टालिन थे, या आप कह सकते हैं एनिमल फार्म के जो लेनिन है, ये अपनी एम्बिशन के आगे ऐसे लीडर को पनपने नहीं दिए, इन्होंने इनको खत्म कर दिया और अपनी छोटी सोच को ही आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज वेरी लॉयल टू एनिमल, ही इज वेरी लॉयल टू एनिमल, लॉयल टू एनिमल, एनिमल्स के प्रति बहुत ज्यादा वो लॉयल है। अच्छा, और इसके अलावा एम्बिशन उनके अंदर भी रहा है, लेकिन उनका हमेशा ये था कि मैं जानवरों का एक तरह से कल्याण करूं, जानवरों के कल्याण के लिए ही उन्होंने किया था। अगर अगर ये क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द ट्रू डिसिपल ओल्ड मेजर, तो ओल्ड मेजर का जो ट्रू डिसिपल है वो कौन है? स्नोबॉल ही है। तो फोर्थ पॉइंट है, ही वॉज द ट्रू डिसिपल, DISCIPLE, डिसिपल ऑफ ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर के वो एकदम बहुत अच्छे चेलों में से थे। ही इज अ ट्रू, या आप कह सकते ही वाज अ ट्रू डिसिपल ऑफ ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर जब पहले चैप्टर में मर जाते हैं, तो जितना भी ओल्ड मेजर के द्वारा दिया गया भाषण था, सिद्धांत था, उनको अगर कोई जमीन पर उतारता है तो यही उतारते हैं और एक पूरा एनिमलिज्म का एक पूरा वो लेसन तैयार करते हैं और जानवरों को सारे सिद्धांत बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एक और चीज यहाँ पे पांचवा, ही आस्क द एनिमल्स,
एस के एस ही आस्क द एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, टू सिंग द सॉन्ग ऑफ द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, टू सिंग द सॉन्ग ऑफ ऑफ द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, BEASTS द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं कि टू सिंग द सॉन्ग्स ऑफ द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। और जो विंड मिल है, विंड मिल इज हिज कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, दैट इज आई थिंक द फिफ्थ पॉइंट। विंड मिल इज is his own concept, old concept. Windmill उसका concept था, इसको जो है इसको नेपोलियन अपोज करते हैं और उसको वहां से बाहर निकलवा देते हैं और उसका विंडमिल गिरा देते हैं, फिर से बाद में विंडमिल को बनाया जाता है। दिस थिंग्स यू फाइव, विंडमिल का मतलब पवन चक्की, जहां से ऊर्जा वगैरह की तैयार करने की बात थी। और ये जो है जानवरों को एक स्लोगन देते हैं और वह स्लोगन क्या रहता है, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, फोर लेग्स गुड, चार पैर वाले जो है वे हमारे दोस्त हैं, फोर लेग्स गुड, फोर लेग्स गुड, टू लेग्स बैड, टू लेग्स बैड, फोर लेग्स गुड, टू लेग्स बैड। इसका भी कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि दो जानवर वाला, दो पैरों वाला वो हमारा दुश्मन है और फोर लेग्स वाले हमारे क्या है, दोस्त है। और इसके अलावा वो जो है ट्रू फॉलोअर थे ओल्ड मेजर के सिद्धांत के, और वह क्या कौन सा सिद्धांत था, सातवां पॉइंट, नो एनिमल विल किल अदर एनिमल, कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, नो एनिमल विल किल अदर एनिमल। इस सिद्धांत के वे बहुत बड़े फॉलोअर थे। आठवां पॉइंट, ही डिक्लेयर्स LARES बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट BEASTS बीस्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड, ही डिक्लेयर्स बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एज द नेशनल एंथम, एज द नेशनल एंथम ऑफ एनिमल। जानवरों का राष्ट्रगान होता है, कौन सा होता है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये जो था इसको उन्होंने उसको बना दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यू फाइंड दैट कि वो एक ग्रेट वॉरियर भी है, एक बैटिल हुआ था, बैटिल ऑफ काउसेंट, नेक्स्ट पॉइंट करके, दैट इज द आई थिंक 11th पॉइंट, इन द बैटिल ऑफ काउसेंट, नेक्स्ट पेज पे ये चीज ध्यान से देखिएगा, बैटिल ऑफ काउसेंट, COWSHED, ही प्लेड अ मेजर रोल, ही का मतलब कौन, जिसके बारे में बात हो रही, ही प्लेड अ
मेजर रोल, ही प्लेड अ मेजर रोल एंड यूज्ड स्ट्रेटजीज ऑफ जूलियस सीजर एंड यूज्ड स्ट्रेटजीज STRATEG IE स्ट्रेटजीज ऑफ जूलियस सीजर JULIUS जूलियस सीजर, जूलियस सीजर ये इन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो जो है जूलियस एक एक जो है एक बॉय घायल हो जाता है बॉक्सर के द्वारा, तो उस समय बॉक्सर को दया आती है और स्नोबॉल बॉक्सर से कहते हैं, नहीं, वॉर इज वॉर, वॉर वॉर है, द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज अ बैड वन, जिस ह्यूमन बीइंग को तुम जो है अच्छा समझ रहे हो वही बुरा हो सकता है। तो उन्होंने पूरा मिलिट्री की भाषा पढ़ी हुई है कि युद्ध में कोई भी आदमी दोस्त नहीं होता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड जो उन्होंने, और एनिमलिज्म को लेकर के वो काफी कॉन्शस रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है, उनका सबसे बड़ा एनिमी खुद आपका नेपोलियन ही सिद्ध होता है। तो इनके जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है, और उनका मानना था, क्या मानना था, वॉर इज वॉर, एक एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, दैट इज द 12th पॉइंट, वॉर इज वॉर, द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज अ बैड वन, द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज अ बैड वन, ह्यूमन बीइंग इज अ बैड वन, वॉर इज वॉर, सो यू फाइंड वट, एकदम पहले से चल रहा है। नाउ आई हैव टेकन थर्ड कैरेक्टर, दो कैरेक्टर मैंने 40 मिनट्स का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने लिया था, ओल्ड मेजर और नेपोलियन को। अब मैंने किसको लिया है, स्नोबॉल को मैंने लिया हुआ है। तो सारी पॉइंट्स मैंने बता दिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आई हैव टेकन स्नोबॉल। स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसके सिंबल है, ही इज द सिंबल ऑफ आइडियल लीडर, एनिमल के बीच में वो आइडियल लीडर के सिंबल है। ही इज वेरी लॉयल टू एनिमल, बहुत ज्यादा लॉयल है। ही वॉज द ट्रू डाइसिपल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओल्ड मेजर का ट्रू डाइसिपल, सच्चा शिष्य कौन था, सच्चा शिष्य जो उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चला था या उनकी नसीहत को फॉलो किया था, तो उनका जो सच्चा शिष्य था वह कौन रहा है, आपकी यही रहे। ही आस्क द एनिमल्स टू सिंग द सॉन्ग ऑफ द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का जो कॉन्सेप्ट है यह उनकी दे रहे, कि जानवरों का एक अपना राष्ट्रगान होना चाहिए, वह क्या कहा गया, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। विंड मिल उनका प्रोजेक्ट था, विंडमिल वॉज हिज ओन कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा फोर लेग्स गुड, चार पैरों वाला जानवर वो सही है, दोस्त है, टू लेग्स बैड, जो दो पैरों वाला है वही बुरा है, वही आपका शोषण करता है। नो एनिमल विल किल अदर एनिमल, कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। ही डिक्लेयर बीस्ट एनिमल एज द नेशनल एंथम, उन्होंने इसको नेशनल एंथम डिक्लेयर किया। इन द बैटिल ऑफ काउ शेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटिल है, बैटिल ऑफ काउ शेड, उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। और स्ट्रेटजीज किसकी यूज की थी, गिव द जूलियस सीजर की स्ट्रेटजीज यूज की, उनका कहना था वॉर इज वॉर, द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज द बैड वन, जो सबसे अच्छे ह्यूमन बीइंग है वही सबसे बुरे है। तो आई हैड टू टेक हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स मुझे लेना था जो मैंने कर लिया है, और कल मैं संडे को भी क्लास लूंगा, मैं आपको बताऊंगा, संडे को क्लास मॉर्निंग में ही होगी और उम्मीद है कि 8:30 बजे से कल सुबह में क्लास होगी। तो बस मैं यहीं तक करता हूँ, जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे जो 40 मिनट्स का हुआ था, वो लोग क्या करेंगे कि उसका पूरा रिकॉर्डेड है, मैं भी शेयर कर दूंगा उस सेशन को, उसको देख लेंगे और इसको जो है जितना पॉइंट्स बताया गया नोट कर लेंगे। तो अभी तक 3, क्योंकि इसमें कैरेक्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने कैरेक्टर को समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो
जस्ट एग्जिटिंग, एग्जिटिंग